पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मध्य प्रदेश के उज्जैन धार्मिक नगरी में गुरुवार को हनुमान अष्टमी के अवसर पर नगर और क्षेत्र के समस्त हनुमान मंदिरों में श्री राम भक्त हनुमान की विशेष पूजा अर्चना की गई। अष्टमी के एक दिन पूर्व ही समस्त हनुमान मंदिरों में भक्तों द्वारा फूलमाला और विद्युत सज्जा कर मंदिरों को सजाया गया था। अष्टमी के दिन नगर के समस्त हनुमान मंदिरों में प्रातः से ही हनुमान जी का अभिषेक पश्चात सुंदर आकर्षक श्रृंगार कर पूरे दिन प्रसादी वितरित की गई। रात्रि के समय संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन कर महाआरती की गई। नगर में आज हनुमान अष्टमी के उपलक्ष्य में नगर के स्थित उजाड़ खेड़ा हनुमान मंदिरों में बाबा खेड़ा पति का आकर्षक श्रृंगार किया गया। वहीं मंदिरों को भी हार और फूलों से सजाया गया। इसी कड़ी में गढ़ी मंदिर पर मारुति नंदन का आकर्षक श्रृंगार किया गया। वहीं आरती प्रसादी के बाद रामायण सुंदरकांड का आयोजन भी किया गया। डॉक्टर हनुमान मंदिर दंदोरोआ धाम आश्रम में हनुमान मंदिर पर विशेष लाइट सज्जा की गई और शाम को महाआरती के बाद विशेष प्रसादी वितरण की गई। उज्जैन से अजय निमा की रिपोर्ट। अर्चना की गई और किस तरह का श्रृंगार किया गया? ये हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री रणछोड़दास जी महाराज की तपस्थली श्री उजरखेड़ा हनुमान जी मंदिर है और यहाँ पर हमने सुबह से श्री राम मारुति यज्ञ और उसकी पूर्णाहुति उपरांत यहाँ विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है जो अभी चल रहा है। लगभग कितने श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं? यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और भोजन प्रसादी निष्ठापूर्वक भावपूर्वक ग्रहण करते हैं। बाहर से भी श्रद्धालु आए हैं? हमारे कई प्रांतों से यहाँ श्रद्धालु आए हैं, गुजरात से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से और भारत के विभिन्न प्रांतों से यहाँ मंदिर के प्रति श्रद्धा भाव, हमारे गुरुदेव के प्रति श्रद्धा भाव रखने वाले श्रद्धालुगण आते हैं और सेवा पूजा करते हैं। आज क्या विशेष श्रृंगार किया गया? आज हनुमान जी का विशेष चोला समारोह का आयोजित किया गया। हनुमान जी की जो मनमोहक छटा है आप स्वयं देख सकते हैं और उनका आज साफे का श्रृंगार विशेष रूप से किया गया। क्या नाम है आपका? मैं आशीष पुजारा। क्या रहे हैं? ये बाबा महाकाल की पावन नगरी उज्जैन में हनुमान अष्टमी का पर्व बहुत विशेष रूप से मनाया जाता है और ये डॉक्टर हनुमान दंदरुआ सरकार जो आश्रम है जो डॉक्टर के नाम से फेमस है, यहाँ पे कैसे भी कैंसर शरीर के रोग ठीक हो जाते हैं हनुमान जी परिक्रमा करने। यहाँ से आज सभी भक्त लोग सुबह 12 बजे से विशाल भंडारे का आयोजन रखा गया है, सुंदरकांड भजन संध्या का आयोजन जो चल रहा है, सभी भक्त आ रहे हैं दूर दूर से सभी गांवों से। लगभग कितने लोग यहाँ पर अभी प्रसादी ले चुके हैं? यहाँ पे कम से 3 से 4 हज़ार लोग यहाँ प्रसादी का आयोजन चल रहा है। आपका पूरा नाम? आचार्य मनीष जी महाराज। कि कैसी भी बीमारी होती है केवल हनुमान जी की 5 परिक्रमा करने से मंगल शनिवार को भभूति दी जाती है, उससे सभी रोगों का समाधान होता है और कैंसर शरीर के रोग ठीक हो जाते हैं हनुमान जी के परिक्रमा करने से। ऐसे कौन से बड़े मुख्य इलाज जो यहाँ परिक्रमा से ठीक हो जाते हैं? कौन सी भी बीमारी फोड़ा फुंसी के लिए विशेष है, ट्यूमर है, फोड़ा फुंसी, इसके बारे में विशेष है। यहाँ पर कुछ मांग की जाती है या मन्नत मांगी जाती है? 5 मंगलवार को 5 परिक्रमा करने से सारे। 5 मंगलवार को ये कहाँ स्थित है मंदिर पूरा? मेन स्थल ये अपना दंदरुआ सरकार महगांव तहसील जिला में आता है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।